म्यूजिक हेलो गाइस, मैं हूं अनी गेमर और सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे अनु गेमर पे। सो गाइस आज देख सकते हो डे 6 में हम दोबारा से वापस आ चुके हैं, जो कि हमने अपना बेस वगैरह इंप्रूवमेंट कर दिया और हमारे टीममेट को ये मिला है हेलीकॉप्टर, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में देखा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर चीज़ का लिंक उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हेली कहाँ पर मिलता है, क्या मिलता है और हेली कब आता है। मैं तुमको बता देता हूँ, हेलीकॉप्टर आता है जब एवेंजर आता है, क्योंकि एवेंजर की एक कहानी ये है कि एवेंजर आता है मिलिट्री बेस में हेलीकॉप्टर से और वो हेलीकॉप्टर लैंड कराता है जगह, मैंने आपको वीडियो में देखी होगी, लिंक वहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हेलीकॉप्टर वहाँ से आता है और वो हेलीकॉप्टर वहाँ छोड़ के वो रफाली करता है मिलिट्री बेस की कहानी है, तो आप देख लेना यूट्यूब पे शायद सर्च मिल जाएगा, बट मेरे म्यान मान्यता तो ये कहानी लगती है ऐसी कि वो आता है तभी तो हेलीकॉप्टर से आता है वो, तभी वो मिलिट्री बेस का भी रफाली करता है, आप उसको मार के उसको लूट मिलती है तगड़ी, और तो फिर ये हेली भी वहीं छूट जाती है। तो हेली हम लेके आते हैं, हेली पहले से आता है, हर किसी को मालूम नहीं था, तो हेली पहले से आता है एक्चुअली में और ले लेके आप यहाँ रख सकते हो अपने पास, और लेकिन ये डैमेज हो जाता है, इसके लिए बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, डैमेज हो जाता है तो इसकी दिक्कत नहीं है। तो हम जा रहे थे इसी मैदान पे अपने टीममेट को लेके, सारे टीममेट को मैंने कहा सभी लोग ऑनलाइन आ जाओ, अब बहुत दिन हो गए हैं, सारे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वैक्टिस मतलब वगैरह कुछ करना है, बेस को भी इंप्रूवमेंट करना है भाई साहब। आ तो हमने कहा तीन ही तीन चले और अपने अभी तीन ही है, चौथा प्लेयर आया नहीं है, लेकिन अपने तीसरा प्लेयर ये जो बंदा था भाई, इसने हेलीकॉप्टर नीचे छोड़ दिया भाई, खुद गेट आउट हो गया भाई, गजब मतलब यार। वैसे तो इसलिए हमने कहा चलो पहले एवेंजर देखेंगे, लेकिन एवेंजर नहीं था तो वो लूट लाट के वहाँ साफ एवेंजर मतलब मिलिट्री बेस तो पूरा लूट गया था, तो हमने सोचा चलो बायो लैब चलते हैं। तो बायो लैब में हमने देखा तो बायो लैब आ गए, तो हेलीकॉप्टर से मैं आ गया और हम दोनों हेलीकॉप्टर से आ गए, वो गाड़ी से आ गया अपना तीसरा टीममेट कार लेके, अपने पास सब कुछ सुविधा थी, तो मैंने यहाँ छलांग मार दी ग्लाइडर से नीचे आ गया, तो देखा तो यहाँ पे ईजी मीटर तो जो था मतलब यही था, तो उसको हमने किल करना है, अब तो किल करना है, तो मतलब लोग ये अभी तुमको देखा ही होगा था, मतलब आपने देख लिया होगा भाई, मतलब जो एक वो है ना अपना मिलिट्री कनाइफ भाई, उसका डैमेज मतलब कतई हार्ड है यार भाई साहब, तुमने देखा ही होगा, अगर वो मिलता है तो किसी को नहीं मिलता, पर रेयर आइटम है, बहुत कम मिलता है जैसे कि आप देख ही सकते हो, और मिलिट्री वो मेरे को बहुत मुश्किल से मिला था मिलिट्री का नाइफ भी मेरे को, वो भी एनिमी से भाई, वो भी ले गया था, लेकिन वो एनिमी बहुत अच्छा था भाई, वापस दे के गया खुद, उसने रेसिपी निकाली वापस दे के गया, वो बायो लैब में रहता है, उसका बेस यही है, आपने पिछली वीडियो देखा कि नहीं देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख लेना वो वाली वीडियो भी जिसमें इसने दिया था। तो हम मिलिट्री का नाइफ का आप टेस्ट लेते हैं, मैंने कहा था दोस्तों से जा तू भाई इसको लेके आ, इधर फंसा ये बोला था बाहर, मैंने कहा नहीं बाहर एनिमी मार देंगे, तो ये वाली जगह है यहाँ पे, ये अंदर की जगह है, यहाँ पे आप मतलब मारना, देखो मैंने 97 का डैमेज दे रहा है, मेरा ईजी मीटर बहुत ही मतलब टैलेंट पॉइंट से इंक्रीज किया है, तो अगर जैसे कि आपको किसी को पता नहीं है इंक्रीज कैसे करना है तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग कमेंट करना। तो देखो आप मिलिट्री का नाइफ मैंने दोस्तों से मांगा और मैंने कहा देखो भाई 151 का डैमेज दे रहा मुंह पे सीधे हेडशॉट, और अगर देखो मैंने अपने टीममेट से पूछा तेरा कितना दे रहा है, तो उसने बोला 147 का डैमेज दे रहा है, तो यानी कि मेरा ईजी पॉइजन जो है काम कर रहा है, तो ईजी को मारने में डैमेज इंक्रीज दे रहा है, ईजी को ज़्यादा डैमेज दे रहा है। तो ये टैलेंट पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूंगा, वीडियो कमेंट करना आप लोग अगर चाहते हो इसके बारे में, तो वीडियो लेके आऊँगा मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, आप बता देना। तो इसकी देख सकते हो हमने इसको जल्दी मतलब मैंने सोचा था ज़्यादा लगेंगे मिलिट्री का नाइफ वगैरह बहुत खाएगा ये, लेकिन नहीं भाई साहब मेरी एक मिलिट्री का नाइफ भी पूरी एचपी नहीं गई थी, इसलिए तो ईजीली मर गया, मतलब भाई कुछ भी नहीं मतलब इसके मतलब मारने का कोई मतलब वो ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, बस एक मिलिट्री का नाइफ से इसको तुम आराम से ईजिली मतलब एक बंदा भी एक मिलिट्री का नाइफ से ईजिली इसको अब मार सकता है। अब इसको पहले की तरह जैसा मतलब पहले जैसे कि चार पांच वो ले जाओ मतलब मैचेट ले जाओ ये ले जाओ जाके वो करो फिर ये करो, ये नहीं है बबाला। तो आप देख सकते हो मैंने कहा चलो ये फ़ायदा है तो मार लेता हूँ गन से, तो मेरा वो खुल जाएगा क्या आपको पता ही होगा सेफ बॉक्स जो होता है, लेकिन मेरा ऐसी ये टीममेट भाई साहब ये M4 का तई मतलब लेके इसको फेल दिया, और यहाँ पे देख सकते हो हमको मिल गया भाई इलेक्ट्रॉनिक टूरेट भाई, जो मतलब भाई इस मैप में एक दो ही बंदे हैं हम आप समझ लो जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक टूरेट है जिसकी बेस में, और वो ना ही बेच रहा है ना ही कुछ, हम भी नहीं बेचेंगे भाई, वो बेच भी नहीं रहा, उसने अपने बेस में लगा दिया, मतलब अभी उसने भी रेसिपी बोली, उसका नाम है गोकू, उसकी दो लीजन यहाँ पे मतलब उसने रख लिया है अपना अच्छा खासा बेस बना रखा, उसका हार्बर के आसपास ही कहीं बेस है शायद, देखूंगा उसको रेड मारने की सोचूंगा, मतलब अभी नहीं उसको बाद में रेड मारेंगे, हम ऐसे रेड नहीं मारेंगे। और रेड की बात कर रहे तो रेड वीडियो मैं ले आऊँगा जल्दी, इसमें रेड टाइम जो है बहुत खतरनाक है, आप सुनोगे तो पागल
पागल हो जाओगे। सुबह का 4 बजे से 7:30 बजे सुबह तक, मतलब इतना ही रेडिंग टाइम है इसमें, जो कि मुश्किल लग रहा है मेरे को करना, इम्पॉसिबल होगा सुबह सुबह उठ के, कौन कर रहा है। मेरे का ट्राई मारा था लेकिन हुआ नहीं एक्चुअली में। फिर मैंने सोचा चलो हमने अपना टूरेट तो ले लिया, तो इसके लिए अब सामान भी तो चाहिए भाई, इसको रेसिपी निकालनी पड़ेगी, स्पेयर चाहिए मेन, और इसका क्या कहते हैं इसको बनाने के लिए इसका बॉडी पार्ट भी चाहिए। दो तो मेरे पास इसके बॉडी पार्ट लॉन्चर जो थे घर में पड़े हैं, लेकिन मैंने यहाँ वेंडिंग मशीन में देखा कि इसके पास ये लॉन्चर सस्ते में भेज रहा, बहुत सस्ते में, मतलब बोले तो भाई कौन छोड़ेगा, मतलब यार सस्ता माल कोई नहीं छोड़ता है। तो मैंने कहा लिली का नाम है इसे लिली है, तो ये दो लॉन्चर बॉडी भेज रहा था। मैंने कहा चल भाई, एक ज़्यादा भेज रहा था एक कम भेज रहा था। मैंने कहा फ्यूल भी भाई चाहिए ही तो चाहिए ही, इसको यूज़ करने के लिए तो ये भी ले लेते, और साथ में ये पर्पल कार्ड भी काम आएंगे। अभी और रूम रन करना है क्योंकि अब और लॉन्चर भाई पार्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा रूम रन करना तगड़ा चाहिए, तो इसलिए मैंने सारा बाय कर दिया भाई। रही बॉय टॉलेंट पॉइंट की तो फ्री मिलता है, जिसको पता नहीं है तो भी कमेंट करना कि कहाँ फ्री मिलता है, मैं बता दूंगा कहाँ फ्री मिलता है। एक्स्ट्रा फ्री मिलता है भाई, एक्स्ट्रा वही नहीं कि ऑपरेशन बेस, और भी एक और एक्स्ट्रा खूफिया है जो आपको चाहिए तो बता दो भाई, डिस्क्रिप्स मतलब सब ले आएंगे, आप बता देना वैसे कमेंट करने के लिए, बस कमेंट करने की देरी है, बस इतना ही। अब तो हमने कहा चलो भाई यहाँ तो कुछ नहीं लूटा, एक बंदा बोल रहा था कब से कि मेरे को मतलब मैसेज कर रहा है कि बैटल चैट में भाई Why you run devil, कहाँ भाग गया तू। तो मेरा टीममेट बोलता है कि ये भाई हाँ ये बोल रहा है ऐसा ऐसा। मैंने कहा चल भाई ये मैसेज कर रहा है, मैंने कहा चलो हम बाय लैब में गए थे ना वहाँ, तो इसने रिपोर्ट सेक्शन में देखा होगा, तो मेरे को बोला था कहाँ भाग रहा है आजा तेरे से पीवीपी करना है। मैंने कहा चल भाई आ जाओ, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ मैं एयरपोर्ट पे गया, तू आ जा वही मिल तू मेरे को वही बताता हूँ तेरे को। मैंने मैसेज कर दिया उसको वेटर से पे, ठीक है उसको बुलाने के लिए। तो मैंने कहा चल तू फिलहाल, मैं फिलहाल तो बिजी हूँ, मैं लूट में तेरे से पीवीपी यहीं कर लेंगे, तू आता है तो आप पीवीपी के लिए। तो मेरे को यहाँ पे देख सकते हो पर्पल रूम मतलब भरा पड़ा है भाई, क्या मतलब मैं सोच रहा था भाई सब एक लॉन्चर पॉइंट तो यहीं से मिल जाएगा या कुछ तो मिलेगा भाई, तगड़ा मिलना चाहिए, और कुछ नहीं मैं नहीं जानता। तो मैंने कहा भाई जा जल्दी से, हम जल्दी जा जल्दी जा, और फ्यूल लगा मतलब वो लगा वायर लगा क्या, और हमारे पास पर्पल कार्ड मेरे पास भी दो है और इसके पास भी पड़ा है। मैंने कहा चल तू लगा, मेरे पास फुल एच पी है तो काम आएगा, तू लगा पहले। तो इसने लगाया और ये मैं गया और मैंने ये एडवांस स्टोर तोड़ा, और भाई क्या मिला कुछ नहीं, सारा लूट तो इसने उठा लिया, बैरन मिला था, बट कोई बात नहीं इसने सारा लूट उठाया। मैंने कहा चल तू ही उठा लिया, अब सारा तू ही तोड़, मैं चला भाई तू ही तो तोड़ क्या, चल अब हम चलते हैं। तो सीधी मैदान पे हम घर आते हैं सीधे, उसके बाद वो भी ऑफलाइन चला गया, हमने कहा लंबा रास्ता हुआ। तो घर आने के बाद हमने इसकी रेसिपी निकाली, इसके बाद देखने के लिए मैंने इसका टेस्ट लिया कि कितना रेंज है, तो देख सकते हो भाई इतनी रेंज है इसका, मतलब बाजू का तो अगर दूर से तो दिखेगा मुश्किल है क्योंकि सीढ़ी है, मतलब वो लगा रखी हमने खिड़की लगा रखी, देखना नहीं मुश्किल है, सामने कोई आएगा तो मर जाएगा। देखो मैंने कहा ग्लाइडर से टेस्ट किया, तो ग्लाइडर से देखा तो ऐसे गया मैं, मैंने कहा चलो कोई आएगा तो देख क्या होता है, तो भाई ग्लाइडर से भी कोई बंदा बच नहीं पाएगा, मतलब क्लोज आते ही, मतलब अगर हमारा बंदा ऑनलाइन रहेगा तो मार सकता है उसको। तो भाई देख सकते हो हमने मतलब पूरा रेसिपी निकाल लिया, और अब अपने टेस्ट को इम्प्रूवमेंट करेंगे और तगड़ा करेंगे। और चैनल पे जो नया आया है फटक से चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए तो सब्सक्राइब करना ही होगा भाई सब, ठीक है। और ऐसी और वीडियो अगर कमेंट करना कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए किसके ऊपर नहीं, तो मेरे को बताना फटाफट से, ठीक है। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।